अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर हम लोगों ने पढ़ लिया था। पिछला जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा इनवर्टिब्रेट्स में मुख्तलिफ किस्म की, हमने एग्जांपल्स के साथ मुख्तलिफ एनिमल्स की रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमने पढ़ लिया कि किस किस्म के एक्टिविटी सिस्टम उनमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो कुछ आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया गया है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? वर्टिब्रेट से रिलेटेड, ठीक है। अब आप तो जो पता है कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स के 9 हमारे फाइलम है, ठीक है। उसके बाद जो एक फाइलम है ना वो कॉर्डेट कहलाते हैं, ठीक है। कॉर्डेट फाइलम के अंदर जो है वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी हम उनको कहते हैं। कॉर्डेट हम उनको कहते हैं जिनके अंदर जो है नोटोकोंड मौजूद है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनके अंदर वो नोटोकोड जो है वो सारी उम्र नोटोकोड ही रहती है और वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होती। जैसे कि हम लोग हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, हम ह्यूमन हैं, बर्ड्स हैं, इनके भी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें नोटोकोड मौजूद होती है। लेकिन जब एडल्ट स्टेज आती है डेवलपमेंट के दौरान, जब ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो जो नोटोकॉर्ड होता है उसको रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। ये जो आपने वर्टिब्रल कॉलम, आपको पता होगा कि ये वर्टिब्रीज है, ठीक है। इस तो उसके जरिए रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने कॉर्डेट्स के अंदर दो तरह के वर्टिब्रेट्स जो है हमको कॉर्डेट्स के अंदर दो तरह के कैटेगरीज बना दिए। एक को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स और दूसरी हम जो कैटेगरी कहते हैं वो वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स की कैटेगरी है, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट वो है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होता, ठीक है। तो उनके अंदर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो जरा किससे मिलता जुलता है? जो इनवर्टिब्रेट का एक्सक्रीटरी सिस्टम था उस तरह का, ठीक है। जैसे कि ये जो है हम इनको क्या कहते हैं, ये एंसेस्टर्स हैं, वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। यानी कि इनसे इनके अंदर जो है एवोल्यूशन हुई है, तो फिर आज जो हम वर्टिब्रेट देखते हैं वैसे वर्टिब्रेट्स जो पाए जाते हैं वो इनकी वजह, इनकी एवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो हमको इनको एंसेस्टर्स कहते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के अंदर। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा पाया जाता है? जैसा कि हमने पढ़ा था मेटानिफ्रिडिया, यानी कि जो थे ना अर्थवर्म में, ठीक है, उनके अंदर आपने पढ़ा था ना कि हर सेगमेंट में टिब्यूल्स का जो है एक सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और उनकी लेकिन ओपनिंग्स भी अलग अलग थी, लेकिन ये जो इनमें भी इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह टिब्यूल्स का सिस्टम है, ठीक है। लेकिन टिब्यूल्स किस तरह है? उसी तरह बिल्कुल मेटानफ्रिडिया की तरह सेगमेंटली अरेंज है, यानी कि बॉडी के सेगमेंट्स में ज़्यादा जो है ना उसके पेयर जो हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद जो एंसेस्टर्स इनवर्टिब्रेट है, उसके बाद जैसी डेवलपमेंट हुई, एवोल्यूशन हुई, तो जो वर्टिब्रेट्स हैं हम उनको प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स कहते थे। यानी कि अब ये तो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन ये प्रिमिटिव है कि बहुत सारे इनके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अब वो ये वर्टिब्रेट जो है ना दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सिर्फ दो इनकी किस्में ग्रुप पाए जाते हैं, हैग फिशेज और लैम्प्रेस पाए जाते हैं। ये सबसे पुराने वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। इनके अंदर कैसा स्ट्रक्चर था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का कि किडनीज अब मौजूद थी, यानी कि ओपनिंग इनकी एक थी, जमा होती जैसे हमारे अंदर नाइट्रोजन वेस्ट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसके जैसा पाया जाता था कि जो ट्यूब्यूल्स थी उसकी वो सेगमेंटली अरेंज थी, यानी कि पूरी बॉडी में फैली हुई थी और उसके बाद वो कलेक्ट हो जाती थी एक जगह पे जिसको हम किडनीज कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैगफिशेस, ठीक है। तो उनका भी सिस्टम जो है इस तरह था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट हुई है, यानी कि चेंजेस आई हैं एवोल्यूशन के कोर्स में, तो फिर जो फिशेस से लेकर मैमल्स तक जो वर्टिब्रेट थे उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर किडनीज बन गई, ठीक है। टिब्यूल्स भी थी जैसे कि इनके अंदर थी, लेकिन क्या फर्क था कि इनकी टिब्यूल जो सेगमेंटली अरेंज नहीं थी, वो सारी टिब्यूल्स इकट्ठी होके एक किडनी का हिस्सा बन गई। जैसे हमारी किडनी का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, उसमें भी जो है मैट्रिक में आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें आप देखना के आपने पढ़ा होगा कि कैसे है कि ट्यूब्यूल बहुत सारी है, लेकिन इसमें वही ट्यूब्यूल सेगमेंटली अरेंज थी अलग अलग और इनमें वो इकट्ठी हो गई है, ठीक है। और उन ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। एक्चुअली जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है स्ट्रक्चर वो नेफ्रॉन है, यानी कि किडनी क्या है,
बहुत सारी न्यूरॉन्स इकट्ठी होके एक शक्ल इस तरह की बना दी है, ठीक है। इसको हम किडनी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये बहुत सारी टिब्यूल्स का मजमुआ है, ठीक है। आप उसको जब देखेंगे, अब अभी हमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक्चुअली क्या है, किडनी जस्ट जो है एक टिब्यूल्स का मजमुआ है, ठीक है, और उस टिब्यूल्स का नाम क्या है, नेफ्रॉन। के तो हमने जनरलाइज पढ़ लिया कि वर्टिब्रेट में कैसा स्ट्रक्चर होता है, अब हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे, ह्यूमन के लिहाज से एक्सक्रीशन कैसे होती है और कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके अंदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो बनती है, यानी कि किडनीज का काम तो जस्ट जो है फिल्ट्रेशन करना है ब्लड में से, लेकिन जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं ना, नाइट्रोजन वेस्ट जो बनती है वो लिवर बनाता है, ठीक है। तो हम जब एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे तो दोनों का काम को पढ़ेंगे कि किडनीज और लिवर मिल के करते, क्योंकि अगर किसी के यूरिनरी सिस्टम में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है तो कई दफा वजह ये होती है कि उसका लिवर फंक्शन नहीं कर रहा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और कभी किडनी फंक्शन सही नहीं कर रही। तो अब जब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, तो हम हर चीज को पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट बनती कैसे है और फिर किडनी उसको एक्सक्रीट आउट कैसे करती है। नेक्स्ट टॉपिक।